फ्रेंड्स नमस्ते। आइए आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल कल्पना फूड चैनल में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ ये आटे का ब्रेड, देखिए जो कि बहुत ही हेल्दी बनी है। और इसे मैं और इसमें क्या है कि मतलब ना ही ईस्ट का ज़रूरत पड़ा है मुझे, ना ही कोई भी चीज़ का। तो चलिए इसे फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं ब्रेड बनाना, जिसके लिए मैं ली हूँ ये एक बाउल ये आटा है, क्योंकि मैं आज ब्राउन ब्रेड बनाने वाली हूँ, आटे का ब्रेड जो कि बहुत हेल्दी होता है। और फिर मैं लूँगी और इसमें आधा बाउल और मैं इसमें आटा डालूँगी। ये देखिए आधा बाउल में इसमें और आटा डाल दी। अब चलिए अब मैं इसका प्रोसेस आगे स्टार्ट करती हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी एक चम्मच ये पिसा हुआ चीनी है, ये मैं ले लेती हूँ। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी हाफ टी स्पून नमक। उसके बाद मैं इसमें लूंगी एक टी स्पून बेकिंग, ये देखिए ये एक टी स्पून बेकिंग पाउडर और ये हाफ टी स्पून सोडा, बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है वो। अब मैं क्या करूंगी, ये जो दही होता है मट्ठा जो होता है ये मैं मट्ठा ले ली हूँ। ये देखिए ये 4-5 स्पून पानी है, ये दही है, उसमें मैं ये पूरा इसको पतला कर दी हूँ पानी डाल करके। तो मुझे इसी से ये आटा को लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, बिना ईस्ट के मैं बनाने वाली हूँ ये आटा ब्रेड। अब ये सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ इसमें। ये देखिए ये सभी चीज़ों को मैं मिक्स कर दी। अब चलिए इसका आटा लगाते हैं। देखिए इसका मुझे बिल्कुल स्टिकी स्टिकी जैसा आटा चाहिए। देख रहे हैं ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का मुझे ये आटा चाहिए। ये देख रहे हैं पूरा स्टिकी स्टिकी जैसा। अब मैं इसमें क्या करूँगी, हाफ टी स्पून ऑयल डालूँगी। ये देखिए ये हाफ टी स्पून ऑयल है, बस ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। अब इसे फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। चूँकि आज मैं ये ओवन में नहीं बना रही हूँ, कुकर में बना रही हूँ, और आपके पास अगर केक मोल्ड नहीं है तो इसलिए मैं आपको नए तरीके से सिखाऊंगी कि कैसे बिना केक मोल्ड के भी आप बना सकते हैं। अगर आपके पास जैसे ये दही भी नहीं है तो आप दूध से भी इसका आटा इस तरह का लगा सकते हैं। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये मैं ग्लास ली हूँ, 3 ग्लास ली हूँ मैं, तीनों में मैं ऑयल लगा दी हूँ। अब चलिए इसका जो मैं बैटर है ये मैं इसमें डालती हूँ। पहले इसको मैं ग्रीस कर ली हूँ तेल से। तो ये देखिए मैं इस तरीके से इसमें डाल रही हूँ और ये मुझे एक जैसे मतलब चौथाई बचेगा उतना मुझे छोड़ देना है, क्योंकि ये फूलेगा अभी। तो अब देखिए ये डाल दी हूँ मैं। अब ये क्या करूँगी, थोड़ा सा ऐसे ऊपर से मैं ऑयल से या फिर आप घी से ऐसे ऊपर से थोड़ा स्प्रेड कर लीजिए, जो कि ये ऊपर से कलर इसका अच्छा आए। तो देखिए मैं सबको कर देती हूँ। बस देखिए फ्रेंड्स, ये मैं कुकर को मैं पहले से प्री हीट कर दी हूँ 10 मिनट। और अब मैं इसमें डालूँगी एक प्लेट, ये नीचे से मैं प्लेट डाल रही हूँ और इसको मैं इसमें डालूँगी तीनों को, और मीडियम फ्लेम पे इसे मैं 25 से 30 मिनट के लिए इसे बेक करने के लिए छोड़ दूँगी। तो चलिए 25 से 30 मिनट से वेट करते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं ढक दी हूँ और इसका बिल्कुल भी जो स्टी ये होता है भाप बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं एक भारी बर्तन इस पर रख दी हूँ। ये मैं बीच में एक बार चेक की थी 20 से 25 मिनट्स के बीच में, तो थोड़ा मेरा नहीं हुआ था इसलिए मैं इसे 10 मिनट और छोड़ दी थी। तो अब देखते हैं, ये शायद बन के रेडी हो गया है। ये देखिए ये रेडी हो गया है, बिल्कुल भी ये सही है। अब मैं इसे नीचे निकाल के रखती हूँ। देखिए
दो मिनट में और इसमें छोड़ दीजिए, जो कि इसका स्टीम से अंदर ये बना रहे थोड़ा। बस अब मैं इसे धीरे से निकालते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स फूल गया था, देख सकते हैं आप। बहुत ही अच्छी बनी है ये। ये देखिए कलर कितना अच्छा है इसका, ये गर्म भी है अभी। अब मैं इसे आपको निकाल के भी मैं इसको दिखाती हूँ। एक्चुअली बहुत गर्म है अभी, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। फ्रेंड्स ये मैं निकाल के रख दी हूँ, ये ग्लास का तीनों का। अब मैं इसे थोड़ा आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी अच्छी कट गई है और इसका कितना अच्छा ये स्पॉन्जी आया है पूरा। ये ब्रेड बहुत ही अच्छा है और ये आटे की ब्रेड है तो ये बहुत ही हेल्दी भी है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी बनी है ये। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा बना है ये और कितना स्पॉन्जी भी है ये। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।